ओम शांति श्रीमद् भगवद गीता के नवे अध्याय तक हमने कल देखा कि परमात्मा ने बहुत स्पष्ट रूप से अर्जुन को अपना परिचय दे दिया कि मैं इस संसार के पालन करता हूँ जगत का नियंता हूँ सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हूं नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूं और तब पुनः अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि फिर मनुष्य क्यों नहीं जानते हैं कौन जानता है और तब मनुष्य कैसे मोहग्रस्त है ये बात बताते हुए भगवान कहे वो मुझे नहीं जानते और मुझ अव्यक्त को भी व्यक्त धारी समझ लेते हैं और फिर अंत में हमने यही देखा कि जब भगवान ने कहा कि जब कल्प के अंत में मैं मनुष्य तन में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं यानी स्पष्ट है कि भगवान जब इस संसार में आते हैं जब अति धर्म ग्लानी का समय होता है उस समय कोई दिव्य स्वरूप में नहीं आते हैं लेकिन एक साधारण मनुष्य तन का ही आधार लेते हैं और आधार लेकर के अपना कार्य करते हैं अधर्म नाश और सत धर्म सनातन धर्म की स्थापना का लेकिन मनुष्य नहीं जान पाते हैं क्योंकि भगवान कहते हैं कि वो इतने मोहग्रस्त है जो इन बातों को समझना भी मुश्किल है तब कहा कि ये बातें हमने गीता में पढ़ी है लेकिन फिर भी हमारा ख्याल नहीं चला हमारा भी ख्याल नहीं चला कि आखिर भी ये महावाक्य किसके हैं और हम हमेशा यही समझते रहे एक दिव्य पुरुष ने यह महावाक्य उच्चारण किया फिर भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि कल्प का पूरा वर्णन बताया कि कैसे ब्रह्मा के दिन के आरंभ में अर्थात सत्युग के आदि में अव्यक्त स्वरूप से आत्माएं इस संसार में आती है व्यक्त प्रकृति का आधार लेती है और खेल में आरंभ होते हैं जैसे जैसे ब्रह्मा की रात्रि का अंत होता है और परमात्मा साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं तब हर एक को प्यूरिफाई करते हैं ज्ञान के द्वारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है क्योंकि जब व्यक्ति की समझ बदलती है तब परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है और इसीलिए यह दिव्य ज्ञान दे करके आत्मशुद्धिकरण करते हुए अपनी सकाश से हर एक में शक्ति भरते हैं और परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है तब वो मनुष्य आत्माएं जो राग द्वेषादि विकारों के वश है या मोहग्रस्त है वो शुद्ध होकर उस परमात्मा के समान प्रकृति को प्राप्त करते हैं और ऐसी जब सात्विक प्रकृति होने लगती है तब भगवान उन्हें विशेष रूप में सृजन करते हैं। विशेष रूप से सृजन करना माना उनके अंदर दैवी संस्कारों को इंस्टिल करते हैं उसका सिंचन करते हैं और उन्हें ऐसे योग्य पात्र बनाते हैं कि जब ये कल्प का एक दिन का परिवर्तन होकर के जैसे ही दूसरा दिन आरंभ होता है अर्थात कलयुग के बाद पुनः सतयुग जब आते हैं तो उसके लिए उस सतयुग में जाने के लिए उन दैवी संस्कारों के आधार पर उन्हें तैयार करते हैं यानी अपनी दिव्य कार्य प्रणाली कितना सुंदर और स्पष्ट रीति से भगवान ने एक्सप्लेन किया कि वो दैवी संस्कारों से फिर वो सतयुग में आते हैं और इसीलिए वो सत्यता का युग जहां कोई भी प्रकार की असत्यता का नामो निशान नहीं गीतों में हम सुनते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी सतयुग में भारत सोने की चिड़िया थी और उस समय का भारत कैसा था वो भी हम जानते हैं कि जहां शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे अगर शेर और गाय एक घाट पर पानी पी सकते हैं इतनी अहिंसक वृत्ति पशु पक्षियों में हो तो उस समय के वो दिव्य आत्माएं कैसी होगी क्योंकि ये तो विज्ञान ने भी साबित कर दिया कि मनुष्य के ही वाइब्रेशंस का प्रभाव पेड़ पौधे पर पड़ता है पशु पक्षी पर पड़ता है मनुष्य के अंदर जितनी हिंसक वृत्ति आने लगी तो ये पशु पक्षी भी हिंसक हो गए <coughs> तो अगर उस समय के पशु पक्षी ऐसे थे तो कल्पना करो कि उस समय आत्माएं कैसी थी कितना शुद्ध और दिव्य स्वरूप में वो आत्माएं वहां निवास करती थी और ऐसी दुनिया का सृजन भगवान ने हम सब के लिए किया था लेकिन धीरे धीरे हमारी वृत्ति में चेंज आने लगा हम इन विकारों के ग्रस्त होते गए और इसीलिए प्रकृति के अंदर भी उस सात्विकता को हम देखते के समाप्त होती गई पशु पक्षी के अंदर भी वो अहिंसक वृत्ति समाप्त हो गई और उनमें भी हिंसक वृत्ति आ गई क्योंकि मनुष्य राजसिक प्रकृति की ओर बढ़ा और राजसिक से तामसिक प्रकृति की ओर बढ़ा क्यों बढ़ा क्यों वो सात्विक प्रकृति में सदा नहीं रहा क्यों ये चेंज आया क्योंकि यह कुदरत का नियम है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर जाती है विज्ञान ने भी यह साबित कर दिया कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर स्वतः आती है लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ाना पड़ता है ऊपर से नीचे की ओर स्वाभाविक है मकान नया बनाओ खंडर अपने आप हो जाएगा खंडर बनाया नहीं जाता है खंडर बन जाता है पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी कि यात्रा धीरे धीरे अमावस्य की ओर चली जाती है अमावस्य से फिर पूर्णमासी की ओर चेंज इज अंटिन्यूस प्रोसेस कोई घड़ी ऐसी नहीं है जब परिवर्तन नहीं हो रहा है और इसीलिए वो संपूर्णता से अपूर्णता की ओर और अपूर्णता से संपूर्णता की ओर ये चेंज भी होना ही है कोई चाहे या ना चाहे और इसीलिए जब होना ही है कि कलयुग में सारे अपूर्ण हो गए सारे अपूर्ण हो गए इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई किसी में निन्यानवे अवगुण है एक तो गुण होगा यही तो पूर्णता के लक्षण है एकदम जीरो नहीं हो जाता क्योंकि नहीं तो फिर ऊपर उठाना मुश्किल होता है इसीलिए एक जब रह जाता है कलयुग के अंत में तब ईश्वर आकर के पुनः अपने संग में उन्हें संपूर्णता की ओर प्रेरित करते हैं और इस तरह से यह संसार का चक्र घूमता है यह संसार चक्र किस तरह से घूमता है उसका स्पष्टीकरण बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने अर्जुन को दिया यानी हम सब अर्जुनों को दिया और फिर भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मुझे याद करते हैं उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूं और उनके पास जो कुछ भी है उनकी रक्षा भी मैं करता हूं कितना ऊंचे ते ऊंची हस्ती कितना निर्माण हो जाता है कुर्बान हो जाता है ऐसे लोगों पर जो थोड़ा प्यार से उसको याद करते हैं अनन्य भाव अन्य कोई नहीं सिर्फ उस एक को जब याद करते हैं तो वो भी कुर्बान जाता है ऐसे आज की दुनिया में मनुष्य नहीं होते हैं कोई अगर प्यार से बात करता है तो लोगों को डर लगता है सोचते हैं तुरंत जरूर मतलब होगा तभी ये इतना प्यार से बोल रहा है लेकिन भगवान को कोई प्यार से याद करे तो वो कुर्बान जाता है और उनकी आवश्यकताओं को भी उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है और उनके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा भी करता है इसीलिए तो उसको भगवान कहा और इसीलिए मनुष्य कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता है ये गारंटी सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकते हैं आगे फिर भगवान आज के युग के हिसाब से बहुत गहरी बात कहते हैं परंतु जो मेरे वास्तविक स्वरूप को ज्ञान के आधार से नहीं जानते हैं यानी भगवान को इन चरम चक्षु से नहीं देखा जा सकता है उसको समझना है तो ज्ञान के दिव्य चक्षु के द्वारा ही समझा जा सकता तो ज्ञान के आधार से नहीं जानते हैं और अज्ञानता पूर्वक मुझे देवताओं के रूप में याद करते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनको पूजते हैं परमात्मा समझ करके पूजते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं गुह गति देखो कर्मों की बताते हैं कि भले मुझे नहीं जाना लेकिन देवताओं को भी जब पूजते हैं और परमात्मा समझ करके पूजा उसका फल भी ईश्वर किस तरह से देता है तो कहा वो देवताओं के बीच में जाकर जन्म लेता है जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं कलयुग के अंदर तंत्र मंत्र जंत्र का समय आ गया लोग अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी से बदला लेने के लिए क्या करते हैं आप सब तो समाज में रहते हैं अनुभवी है कि किस तरह से लोग तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करते हैं और इसीलिए जब तांत्रिक विद्याओं का प्र... और ये बात गीता में मैंशन है मना होता है तभी तो भगवान ने इशारा दिया है और इसीलिए कहा कि जो भूत प्रेतों की उपासना क्योंकि तांत्रिक विद्या के लिए तो भूत प्रेत की उपासना करनी ही पड़ती है तभी उनका वो मतलब सिद्ध होता है तो जो देवताओं के बजाय जानते हैं देवताएं तो ये काम करेंगे नहीं पित्र भी नहीं करेंगे तो भूत प्रेत की उपासना करते हैं तो भगवान उसकी भी गुग गति बताते वो उन्हीं के बीच में जाते हैं उनकी गुह्य गति ये है कि जिन आत्माओं को उन्होंने वश किया या करवाया दोनों उसमें आ जाता है कहीं सोचते हमने थोड़ी किया करने वालों ने किया वो जाएंगे उनके बीच में जन्म लेंगे करवाने वाले भी उतने ही उस कर्म के भागीदारी हो जाते हैं इसीलिए कहा जाता कि कर्म की गति अति गुह है करते हैं वो तो भागीदार बनते ही है लेकिन जो करवाने वाले होते हैं वो भी उस कर्म में उतने ही भागीदार हो जाते हैं और इसीलिए वो उन्हीं के बीच में जाता है या न उनको भटकने की योनि प्राप्त होती है उनका पुनः मनुष्य रूप में जन्म नहीं होता है अब इस गीता ज्ञान के माध्यम से हमें समझना चाहिए हमें कहा जाना है हमें कहां जाना है क्या हम देवताओं के बीच में जाना चाहते हैं पितरों के पास जाना चाहते हैं या उस भूत प्रेत की योनि में जाना चाहते हैं जहां अशुद्धि ही अशुद्धि है बंधन ही बंधन है वो भूत प्रेत उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। वो भटकने वाली योनि में क्योंकि उस योनि में भी वो अनेकों को कष्ट ही पहुंचा रहे हैं वो अच्छे कार्य के लिए नहीं होते हैं उनका प्रयोग बुरे कार्य के लिए किया जाता है तो वो आत्माएं कितनी परवश हो गई सोचने की बात है कितनी परवश हो जाती है जो चाहते नहीं हुए भी करना पड़ता है करना पड़ता है ऐसी फंस गई है लेकिन कौन फंस गया जिन्होंने वो कर्मों का हिसाब उन आत्माओं से बांधा तो चाहे किया या करवाया तो आज से लेकर ये सावधान कि ये निम्न कक्षा की चीजें हम अपने जीवन में प्रवेश भी न दे प्रवेश भी न दे क्योंकि नहीं तो ये कर्मों की गहीय गति ऐसी है जो हमें बहुत कष्ट पहुंचाएगी इसलिए गीता में भगवान ने ये कर्मों की गुह गति समझाई है फिर आगे भगवान अर्जुन से कहते हे अर्जुन कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देते हैं शिव पर चढ़ाते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूँ कितना निर्माणता से प्यार से कहता है कि जिसने भी जो चढ़ाया मेरे ऊपर चाहे अक के फूल ही क्यों न चढ़ाए चाहे धतुरे के फूल ही क्यों ना चढ़ाए लेकिन फिर भी मैं स्वीकार करता हूं उनकी भावना को स्वीकार करते हैं अतः अर्जुन तू जो कुछ भी आराधना करता है मुझे समर्पित कर दे जब सर्वस्व त्याग हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा योग युक्त बंधन मुक्त जो योग युक्त बनता है वो बंधन मुक्त स्वतः बन जाता है इसीलिए भगवान बार बार अर्जुन को योगी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं क्योंकि यही एक माध्यम है जो बंधन उसे मुक्त हो सकते हैं और फिर इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं संसार में सभी प्राणियों के प्रति मेरा संभाव है निष्पक्ष है न किसी से द्वेष, न पक्षपात किंतु जो मेरी अनन्य भाव से सेवा करते वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र यह ऑफर पसंद है भगवान की मित्रता ऑफर पसंद है कितनी सुंदर ऑफर भगवान करते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे मुझे याद करते मेरी सेवा करते हैं वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूं खुदा दोस्त की कहानियां इसलिए दुनिया में बहुत है कि कई भक्त आत्माओं ने भी उसको दोस्त बना दिया मित्र बना दिया और भगवान जिसके साथ ये मित्रता जोड़ देते हैं वो इतना वफादार है दुनिया के दोस्त फिर भी वफादार नहीं होंगे मतलब से मित्रता जोड़ेंगे लेकिन ईश्वर जिसके साथ ये मित्रता का भाव जोड़ते हैं वो बहुत वफादारी से निभाते हैं आप सबको मालूम है सुदामा की कहानी सुदामा के साथ मित्रता का भाव था वो संकोच कर रहा था मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं ये संकोच क्यों था पता है आपको कुछ समय पहले मेरा उज्जैन के तरफ जाना हुआ था और वहां एक स्थान है कि वहां एक गुरु ऋषि का आश्रम है तो जब हम वहां गए तो हमें बताया गया कि यहां पर श्री कृष्ण सुदामा ये पढ़ते थे आश्रम में बहुत सुंदर जगह है बहुत सुंदर जगह है जब वहां गए उस स्थान पर हम ऐसे ही अच्छा लग रहा था नदी किनारे बड़ा सुंदर स्थान है जब वहां गए तो वहां पर हमें बताया कि यहीं से जो जंगल शुरू होता है तो पढ़ाई के साथ साथ जब ये लोग आश्रम में रहते थे तो जंगल में जाते थे लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए और ले आते थे तो कहा जाता है कि एक बार एक बार सुदामा और कृष्ण दोनों ही मित्र थे तो जाते थे लकड़ियां लेने के लिए तो सुदामा की मां ने उसको चालीस चने दिए दरिद्रता गरीबी तो थी ही तो उसने कहा ये चालीस चने ले जा बीस तेरे हैं और बीस कृष्ण के हैं जब तुम लकड़ियां बिनने जाओ तो बीस तुम खाना बीस उसको देना क्या ठीक है बड़ी मित्रता थी अब उसके जेब में वो चने थे जब दोनों गए लकड़ियां बिन करके आए तो आधे रास्ते में आने के बाद कृष्ण ने कहा मुझे तो बड़ी नींद आ रही है थक गया तो कहा ठीक है सो जाओ वो सो गया अब सुदामा को तो नींद नहीं आ रही थी तो बैठा अब उसको भूख सताने लगी तो उसने अपने बीस चने निकाले और खा गया लेकिन फिर भी उसकी भूख मिटी नहीं बीस चने से तो उसने सोचा कृष्ण तो सो रहा है उसको बताया भी नहीं था कि मां ने तेरे हिस्से के भी बीस चने दिए और उसके बीस चने भी धीरे धीरे एक एक करके वो खाने लगा और खा गया उसने सोचा अभी कृष्ण को थोड़ी पता चलेगा ने बीस चने दिए हैं तो उसको बताया नहीं कि मैं तेरे चने भी खा गया और उस बात को छिपाया उसने और श्री कृष्ण जब उठे फ्रेश था वो तो तो कहा चलो अभी दोनों चल पड़े उसके मन में ये बात तो थी कि मैंने कृष्ण को बताया नहीं कि मैं उसके बीस चने खा गया हूं लेकिन जो बीस चने बिना परमिशन के उसके हिस्से के उसने खाए उसको क्या कहेंगे क्या कहेंगे नॉर्मल भाषा में चोरी कहेंगे कर्मों की गुह गति हमें वहां समझने को ये बात मिली कि उसके बाद एक एक चने का जो हिसाब था कि बीस साल सुदामा को दरिद्रता को भोगनी पड़ी चोरी का जो खाया तो एक एक चने का जो हिसाब देना पड़ा उसको इसीलिए दुनिया में कहावत है कख का चोर सुलख का चोर चाहे कख की चीज चोरी क्यों ना की क्या चाहे लाख की चीज कोई चोरी क्यों ना चोर तो दोनों ही हुए ना और इसलिए ये कर्मों की गुहे बताई, बताई गई गति बताई गई कि एक एक चने का हिसाब एक एक साल था और 20 साल उसको दरिद्रता भोगनी पड़ी और 20 साल भोगने के बाद उसकी पत्नी ने कहा अब तो चले जाओ उस समय तो गलती कर दी अब चले जाओ और कुछ लेकर जाओ तब उसको बुआ दिया कि चलो ये मुट्ठी भर चावल ही ले जाओ और वो संकोच कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि भले मैंने बताया नहीं था लेकिन श्री कृष्ण तो जान गया था कि मैंने उसके हिस्से के चने खा ले इसलिए संकोच कर रहा था इतने सालों वो उसके सामने नहीं जा पाया और जब वो मुट्ठी चावल लेकर के गया कृष्ण फिर भी मित्रता कितना प्यार से निभाता है दौड़ करके आया दौड़ कर आकर के उसका कितना उसको प्यार किया कितना उसको जैसे सम्मान दिया फिर भी वो पोटली निकाल नहीं रहा था संकोचवश तब कृष्ण ने कहा कि अरे भाई अब तो दे दे क्योंकि अब तिरझे देने का समय आया है और इसीलिए एक एक चावल का दाना खाता गया और वहां प्राप्ति कराता गया एक एक चीज का और तब उसकी पत्नी ने वो ले लिया कि बस अभी बस करो सब कुछ दे देना है क्या अब आगे खाना नहीं है कर्मों की गुह गति एक एक चने का एक एक साल की दरिद्रता भोगी और एक एक चावल का दाना खाते खाते प्राप्तियां भी इतनी अखुट कराई इतनी अखुट प्राप्तियां कराई कहने का भावार्थ कि ईश्वर के साथ भी जब ये दोस्ती मित्रता जोड़ दो वो वफादारी से निभाता है हम चूक कर सकते हैं वो चूक नहीं करेगा इसीलिए सावधान होना पड़ेगा ये मित्रता की ऑफर पसंद है लेकिन वफादारी भी उसमें चाहिए क्योंकि थोड़ी सी गलती हुई उस वफादारी में तो क्या होगा इसीलिए लोगों ने क्या समझा मित्रता के बदले शायद हम इतनी वफादारी से न निभा सके तो दास बनना ही ठीक है इसलिए क्या कहते हैं प्रभु हम तो आपके चरणों के दास ही ठीक है अब क्या रहना चाहते हैं दास रहना चाहते हैं मित्र बनना चाहते हैं ऑफर है बहुत सुंदर ऑफर है क्या चाहते हैं मित्र बनो है ना और जब सेवा करते हैं इसीलिए कहा जो मेरी अनन्य भाव से सेवा करते उसको प्राप्ति भी इतनी अखुट है इतनी अखुट प्राप्ति है जो कोई मनुष्य नहीं करा सकता है इतनी अखुट प्राप्ति है फिर भगवान उसकी और गुहे गति बताते हुए कहते हैं जो अत्यंत दुराचारी है पर निश्चय बुद्धि होकर अनन्य भाव से मेरी शरण को ग्रहण करता है सेवा करता है वह साधु मान्य योग्य है बुरे से बुरा व्यक्ति अजामिल जैसा पाविसली शास्त्रों में एक एक कथा जो है उसके पीछे जो रहस्य है वो रहस्य समझने का होता है कि अजामल बहुत बड़ा भक्त था कहा जाता है बहुत बड़ा नारायण का भक्त था और इसीलिए जब उसके घर में पुत्र हुआ तो नारायण ने ही उसको कहा तू अपने बेटे का नाम नारायण रख या गुरु ने कहा कि तुम उसका नाम नारायण रख क्योंकि वो जानता था कि उसके बाद उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और सचमुच उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया महापाप आत्मा बन गया जो नारायण का भक्त था वहां से कैसे उसकी मति बदली और इतना महा दुराचारी महान पापात्मा बन गया और जब महान पाप आत्मा बन गया बहुत पतित हो गया अंत में जब यमदूत लेने आते हैं। तब वो अपने बेटे को बुलाता है नारायण नारायण आ जाओ और भगवान कितना भोला है कि भाई मुझे बुलाया मैं चला जाता हूं तो इसीलिए कहा कि अत्यंत दुराचारी लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण करता है वह साधु मान्य योग्य है और वह परम शांति को प्राप्त होता है वह कभी नष्ट नहीं होता फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों योगियों ऋषि रिशी, राज ऋषियों का तो कहना ही क्या जब इतना दुराचारी व्यक्ति को भी भगवान अपना लेते हैं अपनी शरण में ले लेते हैं तो इन सबका जिन्होंने कम पाप किए हैं उनका तो कहना ही क्या इसीलिए हे अर्जुन मन मना भव मध्याजी भव तो अपने मन को मुझ में लगाओ तो मध्याजी भव मध्याजी भव का मतलब हध्याजी भव का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में मध्य में कौन है विष्णु तो वह विष्णु पुरी में जाने की अधिकार को प्राप्त कर लेता है इसलिए कहा जो मन मना भव वो मध्याजी भव के मन को मुझ में लगाओ तो उसके रिटर्न में मैं क्या दूंगा मध्य में जो विष्णु है उस विष्णुपुरी में जाने का पासपोर्ट मिल जाएगा यह पासपोर्ट चाहिए यह पासपोर्ट चाहिए सिंपल आज के दुनिया की भाषा में मैं बोल रही हूं कि विष्णुपुरी में जाने का अधिकार विष्णुपुरी में जाने का वीजा अमेरिका का वीजा तो मिले न मिले विदेश का वीजा मिले ना मिले लेकिन विष्णुपुरी का वीजा जरूर मिल जाएगा विष्णुपुरी यानी जहाँ श्री कृष्ण नारायण विष्णु उस पुरी में जाने का अधिकार प्राप्त कर लेगा उसके बाद दसवा अध्याय बहुत गुह्य ज्ञान अभी भगवान देते हैं अपने स्वरूप के बारे में विभूति विस्तार योग असीम सत्य की अपार महिमा बल सौंदर्य ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं इस संसार में चाहे वे इस लोक में है या आध्यात्मिक जगत में है परमात्मा की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आशंका अभिव्यक्तियां समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा समस्त जीवों के परम पूजनीय है प्रथम श्लोक से लेकर सातवें श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उसको जानने का फल आठवें श्लोक से लेकर ग्यारहवें श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन बारहवें श्लोक से लेकर अठारहवा श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना और उन्नीसवे श्लोक से लेकर बयालीसवें श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का कथन है बल सौंदर्य ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली हरेक घटनाए इस जगत में या आध्यात्मिक जगत में उसको स्पष्ट किया है तो भगवान अपने प्रिय अर्जुन को अपनी उत्पत्ति का रहस्य युक्त श्रेष्ठ ज्ञान देते हुए कहते हैं कि न देवताएं न महर्षिगण उसकी उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं जब देवताएं नहीं जानते हैं महर्षि नहीं जानते हैं तो मनुष्य का तो कहना ही क्या कैसे जान सकेंगे मनुष्य मोह रहित क्योंकि उसको जानने के लिए मोह रहित पाप रहित ज्ञानवान ही मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को यथार्थ रूप में जान सकते हैं भगवान जो है जैसा है वैसे उसको जानना समझना उसके लिए मोह रहित पाप रहित ज्ञानवान इसीलिए कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला उसको समझ पाते हैं हर कोई उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं मनुष्य आत्मा में जो गुण विद्यमान है भगवान ये भी कितनी सुंदर बात बताते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में गुण विद्यमान है वे मेरे द्वारा दिए गए दैवी संस्कार है निन्यानवे से एक बच गया कलयुग के अंदर वो भी उसी ने दिया हुआ था क्षीण होते 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 बहुत कम रह गए कैसे दिया भगवान ने तो बहुत सुंदर तरीका बताते कि मैंने कैसे वो दैवी संस्कार दिए मैंने उन्हें संकल्प से प्रदान किए हैं वाइब्रेशन थॉट एनर्जी थॉट एनर्जी से दिए हैं क्योंकि परम आत्मा भी आत्मा है श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आत्मा है और मनुष्य आत्मा तो हर आत्मा के अंदर सोचने की शक्ति है संकल्प शक्ति है और जब उस शुद्ध संकल्प की अवस्था में हम होते हैं तो उस वक्त ईश्वर अपनी संकल्प की शक्ति से हमें वो गुण प्रदान करते हैं वो शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि तब हम रिसीव करने के स्टेटस में होते हैं इसीलिए भगवान कहते हैं उन्हें संकल्प से मैंने प्रदान किए इसलिए यह सब मेरी संकल्प की रचना है परमात्मा की रचना कुख वंशावली नहीं है संकल्प की रचना है जो पुरुष ज्ञान के आधार पर मेरी इस विभूति और योग को जानता है वह निश्चय आत्मक योग युक्त हो जाता है उसे कुछ भी संशय नहीं रहता है यहां अर्जुन को बहुत बड़ा एक सिग्नल था क्योंकि अर्जुन भी अभी धीरे धीरे समझने का प्रयत्न कर रहा है और इसीलिए कहा कि जो ज्ञान के आधार पर भगवान को जान सकते हैं उसके ज्ञान के माध्यम से ही इसीलिए ज्ञान के चक्षु है और उस ज्ञान के चक्षु जब खुलते हैं, दिव्य नेत्र जब खुलते हैं, तब उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है उसको समझने की क्षमता आ जाती है जिनका मन कौन देख सकता है फिर वो ज्ञान के चक्षु किसके खुल सकते जिनका मन निरंतर मुझ में रमा हुआ है जिनका जीवन मेरी सेवा में समर्पित है जो दूसरों को ज्ञान देते हैं और आपस में भी ज्ञान चर्चा करते वे प्रसन्नता एवं दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता किन्हें देते हैं कि जो नित्य ज्ञान देते हैं ज्ञान की बातें शेयर करते हैं ज्ञान चर्चा करते रहते हैं माना फालतू बातें नहीं करते हैं आप लोग ने महसूस किया होगा जब से आपने गीता ज्ञान शुरू किया सुनना आपस में भी बात करते हैं तो किस विषय पर बात करते हैं किसी की ग्लानी मुख से निकली अरे ये तो है ही ऐसा वो तो है ही ऐसा दुनिया में होते थे तो वही बात निकलती है कोई कुछ कहता भी है अरे वो तो है ही ऐसा लेकिन यहां जब से गीता ज्ञान सुनना शुरू किया आपस में भी कोई बात शेयर करते हैं तो भी ये बात बड़ी अच्छी लगी ये बात समझ में नहीं आई तो ज्ञान चर्चा ही किया ना तो ज्ञान चर्चा जो करते हैं तो भगवान उसे ज्ञान प्रदान भी करता है और इसीलिए उनके ये दिव्य चक्षु खुलने लगते हैं तब हर बात स्पष्ट समझ में आने लगती है और अंद में अंदर में कई बार होता है सुनते हुए कि गीता तो इतनी बार पढ़ी पहले क्यों नहीं समझ में आई ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई आज इतना सहजता से समझ में क्योंकि ईश्वर ने वो ज्ञान के चक्षु खोले हैं खोले हैं इसलिए समझ में आने लगी है ये बातें उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं कि कैसे वे मुझे पा सकते हैं अब तो पाना सहज हो जाएगा क्या अभी भी मुश्किल है हा? मित्रता ऑफर कर लिया अब तो पा सकेंगे ज्ञान के चक्षु खुल गए कई दिव्य बातें समझ में आने लगी तो ज्ञान चक्षु खुल गए जिसके नहीं खुले उसको अभी भी समझ में नहीं आएगा फिर भगवान कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करता कितना बोला है भगवान मैं उन पर विशेष कृपा करते हुए उनकी अज्ञानता के अंधकार के कारण को ही दूर करता कारण कोई दूर करता हूं जिससे मनुष्य जीवन में अज्ञानता उत्पन्न हुई उस कारण को ही भगवान दूर कर देता है और ज्ञान के प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्मभाव में स्थित करता तभी हम आत्मस्वरूप में स्थित हो सकते हैं योग में जब बैठते हैं योग अभ्यास जब करते हैं तो आत्मभाव में स्थित होना स्वाभाविक हो जाता क्यों क्योंकि यह उनकी कृपा है यह हमारा पुरुषार्थ नहीं लेकिन उनकी विशेष कृपा है और अज्ञानता के कारण को ही वो दूर कर देता है इतनी कृपा बरस रही है तब अर्जुन आगे भगवान से कहते हैं अब उसने समझ लिया इसलिए अब समझ लिया तो प्रार्थना करता है निवेदन करता है कितना निर्माण अब तक कितने सवाल थे कौन जानता है कौन नहीं जानता है क्यों जानता है कैसे जानता है, कितने सवाल थे मनुष्य पाप क्यों करता है ये बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है कितने सवाल किए लेकिन जब भगवान की यह विशेष कृपा हुई अर्जुन पर भी तो अब वो क्या कहता है आप परम धाम के वासी है परम पवित्र परम सत्य हो आप अजन्मा सर्वोच्च दिव्य शक्ति हो महान ऋषि भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं वेदों में किया है इस सत्य की पुष्टि किया है आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं आपके दिव्य स्वरूप को न देवतागण और न असुर समझ सकते हैं आप देवों के भी देव हो देवों का देव कौन है महादेव अब अर्जुन ने समझा अब अर्जुन ने समझा और कहा आप देवों के देव हो नाथ हो कृपा करके अब कृपा करो मेरे ऊपर कि विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताओ और किस तरह मैं आपका निरंतर चिंतन करूं और आपका स्मरण किस रूप में किया जाए ये प्रार्थना उसने की भगवान से हाथ जोड़ करके कि अब मैं जानना चाहता हूं अब मुझे बताइए ये कृपा कर दो मेरे ऊपर तब भगवान क्या कहते हैं अर्जुन की जिज्ञासा के प्रति भगवान वाच हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है अनंत है मैं आदि मध्य अंत का ज्ञाता ब्रह्मा का दिन और रात का जो चक्र है आदि मध्य और अंत का ज्ञाता सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्माओं फिर भगवान ने एक एक करके इक्यासी श्रेणियों में जो उत्कृष्टता थी जो सर्वोच्च स्थिति का वर्णन अपने स्वरूप की असीम विशेषताएं बताते हुए स्पष्ट की समझने की बात है इक्यासी श्रेणियों की जो उत्कृष्टता है उसके साथ अपनी भेंट करते हैं क्योंकि वो जानना चाहता है ईश्वर को समझना चाहता है उसके वास्तविक रूप को अब भगवान कैसे बताएं उसको तो जरूर किसी के साथ तो कंपेयर करना पड़ेगा तो उसका बल ऐश्वर्य उत्कृष्टता सौंदर्य सब का कंपैरिजन इस जगत में या अलौकिक जगत में आध्यात्मिक जगत में तो उन सब के साथ कंपेयर करता है और उसी के लिए भगवान आगे कहते हैं कंपेयर करते हुए प्रकाशों में सबसे पहले अपने स्वरूप के बारे में कहते कि प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य सूर्य में हूं यह नहीं कहा मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि वाले समझते हैं भगवान ने कहा मैं सर्वव्यापी हूं भगवान ने जब पहले ही कह दिया मैं परमधाम का वासी हूं वहां विराजमान हूं अब जब ये बातें बता रहे हैं तो मैं उसमें निवास करता हूं वास करता हूं ये नहीं कहा लेकिन अपनी असीम सौंदर्य अपने विषय में वो कंपेयर करता है क्योंकि अर्जुन को कैसे समझाए वो इस दुनिया का व्यक्ति है तो इस दुनिया की इक्यासी श्रेणियों के साथ उसकी भेंट करके बताता है कि मेरा स्वरूप प्रकाशमान है तो प्रकाशमान चीज इस संसार में कौन सी है सूर्य है इसीलिए कहा कि प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान हो समान शब्द निकल गया और इसीलिए आज के मनुष्य क्या समझते ईश्वर सब में है भगवान ने खुद कहा क्या दलील करते भगवान खुद कहते हैं मैं सूर्य में हूं मैं चंद्रमा में हूं मैं इसमें हूं मैं उसमें हूं भगवान ने यह कहा ही नहीं जब पहले ही अर्जुन प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरा सौंदर्य असीम है तो वो असीम सौंदर्य का वर्णन कैसे करेंगे तो किसी के साथ तो भेंट करेंगे तभी तो बता सकेंगे तो सूर्य के समान तेजस्वी हूं तेज है मेरा उससे भी अधिक लेकिन मैं कोई ऐसा दहकने वाला नहीं हूं इसलिए तुरंत दूसरी लाइन में कहा नक्षत्रों में चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश है मेरा मेरा प्रकाश किसी को जलाने वाला नहीं है लेकिन नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह यानी इतना शीतल भी हूं मैं प्रकाशमान और शीतल फिर तीसरा कहा समस्त पर्वतों में मेरु। नॉर्थ पोल को क्या कहा जाता है मेरु कहा जाता है सर्वोच्च यानी जो धूरी है इस पृथ्वी की ठीक इसी तरह समस्त इस जगत की धुरी परमात्मा है तो समस्त पर्वतों में मैं मेरू समस्त पुरोहितों में बृहस्पति हूं अर्थात बृहस्पति के समान परम पवित्र अपनी पवित्रता का ऐश्वर्य बताते हैं शक्ति का ऐश्वर्य कैसे बताया समस्त सेना नायकों में कार्तिके की तरह समझ में आ रहा है जो कंपैरिजन भगवान बता रहे हैं कैसी श्रेणियों की अपना बल सौंदर्य ऐश्वर्य और अपनी उत्कृष्टता इनका कंपैरिजन किया है तो शक्ति कैसी है तो समस्त सेना नायकों में कार्तिके की तरह समस्त जलाशयों में समुद्र अनंत उसकी महिमा अनंत है उसका ऐश्वर्य अनंत है इसीलिए समुद्र के साथ भेंट की गई महर्षियों में भृगु की तरह वाणी में देव्य ओंकार इतना मधुर स्वर तो परमात्मा की वाणी भी कैसी है मधुर समस्त अचलों में हिमालय की तरह, अचल अडोल वो विचलित तो नहीं होता है तटस्थ रहता है समस्त वृक्षों में पीपल की तरह। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बताते हैं कि पीपल एक ही पेड़ ऐसा है संसार में जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है 24 फोर आवर्स ऑक्सीजन प्रदान करता है तो इसी तरह मनुष्य आत्माओं को भी जो जीवन जीने के लिए आवश्यकता है वो स्रोत कौन है वो पीपल की तरफ परमात्मा ही है इसलिए कहा कि समस्त वृक्षों में पीपल की तरह प्राण वायु भरने वाला मनुष्यात्माओं को जीवन प्रदान करने वाला फिर कहा सिद्ध पुरुषों में कपिल की तरह सर्व सिद्धियां ईश्वर के पास है इसलिए कहा कपिल की तरह हूं क्योंकि एक साधारण लेमैन को समझा रहा है अर्जुन कौन है एक लेमैन है और लेमैन होने के कारण ही उसको उसकी भाषा में ही समझाना पड़ता है कि मेरा ऐश्वर्य कैसा है इसलिए इस जगत की सभी चीजों के साथ उसकी भेंट करता है ताकि वो समझ सके कि ईश्वर का दिव्य स्वरूप उसके अनंत महिमा किस तरह की है फिर कहा गजराजों में ऐरावत की तरह ऐरावत इस जगत का नहीं है आध्यात्मिक जगत का दिखाया गया अलौकिक जगत का दिखाया गया इसलिए कहा गजराजों में ऐरावत की तरह इतना शक्तिशाली शुद्ध मनुष्य में राजा की तरह सर्वशक्तिमान एक राजा के पास सारी अथॉरिटी होती है तो परमात्मा के पास भी सारी अथॉरिटी है हथियारों में व्रज की तरह गायों में सुरभि की तरह सुरभि माना सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली तो परमात्मा भी ऐसे हैं जो सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं दैत्यो में भक्त राज प्रहलाद की तरह क्योंकि भक्त भले असुर घराने में थे लेकिन फिर भी इतना शुद्ध श्रेष्ठ माना गया तो परमात्मा भी सर्वश्रेष्ठ है पशुओं में सिंह की तरह राजा है अथॉरिटी सुप्रीम अथॉरिटी उसके पास है पक्षियों में गरुड़ की तरह सबसे ऊंचा उड़ने वाला यानी इतनी ऊंची उड़ान है उस ईश्वर की भी शस्त्र धारियों में राम की तरह अगर कृष्ण बोलता था तो कहता था तुम मुझे देख रहे हो ना राम की तरह क्यों कहा मर्यादा पुरुषोत्तम ईश्वर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष है ना? आत्मा है वो भी लेकिन परम आत्मा लेकिन मर्यादाओं में उत्तम है इसीलिए कहा शस्त्रधारियों में राम की तरह अगर ये फिजिकल ग्रॉस लेवल पर अगर ये बात ली जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि खाली राम में बाकी किसी में नहीं है तो बाकी सभी देवताओं की जो हम पूजा करते हैं तो व्यर्थ हो गई इसीलिए भाव को समझना है गीता के अंदर जब पहले ही नवे अध्याय में कह दिया है कि सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स रहस्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्य वाली अगर बात कहते हैं भगवान तो वो गीता है तो इतना ग्रॉस लेवल पर तो भगवान बात नहीं करेंगे लेकिन आज के मनुष्य ने समझ लिया भगवान ने कहा मैं इन सब में हूं इसीलिए पीपल की भी पूजा करेगा गाय की भी पूजा करेगा वो सिंह की भी पूजा सबकी पूजा करना चालू कर दिया गरुड़ की भी पूजा करेगा क्यों भगवान ने कहा और इसीलिए बाकी प्राणियों को मार सकते क्योंकि भगवान उनमें नहीं है खा सकते हैं क्योंकि भगवान उनमें नहीं है सिंह को नहीं मार सकते ना खा सकता है और इसीलिए कहीं ना कहीं कहा कि हाँ उसकी पूजा करो तो देवियों को भी वाहन के रूप में सिंह दिखा दिया है ना वास्तव में भगवान का जो रहस्य युक्त भाव है उसको समझने की आवश्यकता है फिर कहा नदियों में गंगा की तरह क्योंकि गंगा के अंदर जो जडी जड़ीबुटियां हैं, जो प्रवाहित होती है जो गंधक है वो हीलिंग करती है वो औषधि वाली होती है ठीक इसी तरह परमात्मा भी द ग्रेटेस्ट हीलर है कि मनुष्य के घाव को किस तरह से हील कर देता है समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या है कोई शास्त्र नहीं कहा न वेद कहा न पुराण कहा न उपनिषद कहा न महाभारत कहा न गीता कहा न रामायण कहा आध्यात्म विद्या समस्त ऋतुओं में बसंत ऋतु यानी फॉर एवर ग्रीन ये नहीं कि ऋतु बदल जाने से भगवान अपनी शक्तियों को भी बदल देगा नहीं इज एवर शाश्वत है उन शक्ति इसलिए बसंत ऋतु के साथ उसकी भेंट की समस्त मुनियों में व्यास की तरह क्योंकि व्यास के पास वो पात्रता थी जो गीता ज्ञान ग्रहण कर सके तो इसी तरह वो पात्रता प्रदान करने वाला कौन है फिर कहा समस्त सृष्टि का बीज हूं आई एम द सीड जिस तरह एक बीज के अंदर सारा वृक्ष समाया हुआ होता है ठीक इसी तरह परमात्मा में भी संपूर्ण ज्ञान सारी आदि मध्यंत का ज्ञान उस बीज में समाया हुआ है मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं इतना सुनाने के बाद भी हे अर्जुन तुम अभी भी मैं उसको और क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी विभूति क्या है उसका अंत नहीं सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टिया वह सिर्फ मेरी विभूति का वर्णन करने में कैसा है मेरे स्वरूप का वर्णन करने में अंश मात्र मेरी विभूति का स्पष्टीकरण कर सकती है यह फुल स्पष्टीकरण नहीं है यह एडमिट कर लिया कि भाई तुम्हारी दुनिया के अंदर जो चीजें हैं जिसके साथ मैं अपना कंपैरिजन कर सकता हूं यह कैसी श्रेणियों के साथ तो कंपैरिजन किया लेकिन सिर्फ अंश मात्र अभी भी मैं अपनी विभूति के बारे में तुझे बता पाया हूं ये मेरा संपूर्ण स्वरूप नहीं है अभी भी ये बात कितना सुंदर तरीके से भगवान कहते हैं अब ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना है कि अब मैं देखना चाहता हूं अगर आप वर्णन नहीं कर पा रहे हैं इतना असीम ऐश्वर्य और ये है तो अब मैं आपको देखना चाहता क्या आप मुझे वो नेत्र दे सकते हैं जिससे मैं आपको देखूं अब श्री कृष्ण को तो देख ही रहा था फिर ये नेत्र की मांगने क्यों कर रहे है भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम स्वरूप प्रकट करते हैं। पहले श्लोक से लेकर आठवें श्लोक तक विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन द्वारा निवेदन और दिव्य चक्षु की प्राप्ति नवे श्लोक से लेकर बाईसवें श्लोक तक विश्व स्वरूप का विवरण और महिमा तेईसवें श्लोक से लेकर पच्चीसवें श्लोक तक अर्जुन की व्याकुल मनोदशा देखने के बाद उसकी व्याकुल मनोदशा प्रसन्न मनोदशा नहीं हुई क्यों ऐसा हुआ 25वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक महाकाल स्वरूप और निमित भाव के साथ युद्ध करने की प्रेरणा दी 35वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक अर्जुन का समर्पण समर्पण भाव और क्षमा याचना और पैतालीसवे श्लोक से लेकर पचपनवे श्लोक तक अनन्य भाव के बिना प्राप्ति नहीं है ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है उसका तरीका भगवान उसकी विधि बताते हैं और अब अर्जुन का निवेदन कि जब इतना वर्णन करने के बाद भी कहा कि अंश मात्र मेरे स्वरूप को स्पष्ट कर पाया हूं तो अर्जुन ने कहा कि आपने जो परम गोपनीय इसलिए सीक्रेट अगर ये ग्रॉस लेवल पर होता था तो ये सीक्रेट नहीं है अगर ये सब में ईश्वर होता था तो उसमें सीक्रेट क्या है सीक्रेट यही है कि इन सबके साथ उन्होंने अपनी विभूति का वर्णन किया कंपेयर किया है और इसीलिए कहा कि आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म ज्ञान सुनाया उससे मेरा अज्ञान और मोह नष्ट तो हो गया और इसीलिए यदि क्योंकि बार बार भगवान ने कहा मुझे देखने के लिए मोह मुक्त होना पड़ेगा मोह मुक्त क्योंकि अर्जुन मोह के वश था इसलिए मोहग्रस्त जो है वो ईश्वर को नहीं समझ सकता है तो अब वह एडमिट करता कि मेरा मोह तो नष्ट हो गया और इसीलिए यदि आप मानते हो कि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना संभव है तो हे योगेश्वर आप अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए और इसीलिए उसने कहा मेरा मोह समाप्त हो गया अब मैं मोह मुक्त हो गया अब क्या मैं आपका स्वरूप देख सकता हूं तो दिखाते हैं कि भावार्थ यह है कि हमें इस बात का स्मरण कराते हैं कराता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थित उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता है और उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर समर्थ बनाते हैं अर्थात सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की वो बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं। दृष्टि देना अर्थात उसको समर्थ बनाना और उस सूक्ष्म स्वरूप को देखने का बौद्धिक क्षमता प्रदान करना और ये बौद्धिक क्षमता चार लोगों को मिली थी कौन थे चार लोग एक तो अर्जुन था एक संजय था तीसरा भीष्म पितामह था और वेद व्यास जी थे ये चार लोगों को ये क्षमता प्राप्त हुई थी क्योंकि भीष्म पितामह भी मोहमुक्त था वेद व्यास जी भी मुक, मोहमुक्त थे संजय भी निमित भाव से धुतराष्ट्र को सब सुना रहा था वो भी मोहमुक्त था और अर्जुन ने अब स्वीकार किया कि मेरा मोह भी नष्ट हो गया अब मुझे दिखाइए अब मैं देखना चाहता हूं अब उसके अंदर एक लगन जागृत हुई मैं आपको देखना चाहता हूं उस ऐश्वर्य को मैं देखना चाहता हूं आपके स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं क्या मुझे प्रदान कर सकते हैं फिर भी निवेदन कितना निर्माणता से किया गया है और तब अब अर्जुन को जब ये बौद्धिक क्षमता प्राप्त हुई ये समर्थी प्राप्त हुई तो अब वो नहीं बोल रहा है अब संजय धतराष्ट्र को सुना रहा है कि वो स्वरूप कौन सा था तो वो बताते हैं कि संजय ने अपने दिव्य चक्षु से देखे स्वरूप का वर्णन किया और कहा आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय होने जैसा प्रकाश होता है वह उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा और आश्चर्यचकित हर्षित रोमो वाला धनंजय परमात्मा को सिर झुकाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है हजारों सूर्य से तेजो मय स्वरूप जिसका तेज अर्जुन भी सह नहीं सका और कहा बस करो प्रभु बस करो ये पहला स्वरूप दिखाया परमात्मा ने अपना स्वरूप दिखाया ओरिजिनल और फिर जो दूसरा स्वरूप दिखाया श्री कृष्ण का और जो श्री कृष्ण का सारा स्वरूप दिखाया उसमें जो चेहरे दिखाए विश्व रूप में जो श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा कि हे अर्जुन मेरे भी बहुत जन्म है तेरे भी बहुत जन्म है ये राजा लोगों के भी बहुत जन... अपने पुनर्जन्म की बातें की तो ये जो सारे चेहरे हैं ये श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म की बातें हैं वो अजन्मा परमात्मा का स्वरूप और ये पुनर्जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का स्वरूप ये दोनों स्पष्ट किया कि ये कौन है और मैं कौन लेकिन ये भाव को लोग समझ नहीं पाए गीता पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाए न समझा पाए और इसीलिए ये जो चेहरे हैं, हर जन्म के चेहरे हैं से कृष्ण के आपने अगर देखा होगा कोई ऐसा फोटो ये विश्व रूप का देखा होगा कि जिसमें एक चेहरा है लास्ट में जहां से सारे मनुष्य उस मुख में जा रहे हैं देखा है वो चेहरा मनुष्य उस मुख में जा रहे हैं और जो पहला चेहरा है वहां से देवता स्वरूप में नीचे उतर रहे हैं देखा है ये चेहरा सीरियल भी अगर देखी होगी महाभारत की तो उसमें भी ये बात बहुत स्पष्ट दिखाई है कि जो कलयुग का अंतिम जन्म श्री कृष्ण का एक साधारण मनुष्य के रूप में जब वो निमित्त बनता है परमात्मा को अपने में प्रकट करने के लिए अपने में वो दिव्य अवतरण कर सके उसके लिए तो वही माध्यम होता इसी है श्री कृष्ण का ही जिसके तन का आधार लेकर परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं और उस वक्त जो कहा हर आत्माएं जो मेरे समान प्रकृति को प्राप्त करती है वो मेरे सानिध्य में आ जाती है तो वो जो मुख में जा रहे हैं वो परमात्मा के सानिध्य में जाने के लिए जो आत्माएं पात्र बन गई वो गई और फिर जब ब्रह्मा के दिन का आरंभ होता है जब ब्रह्मा के दिन का आरंभ होता है तो वहां वो दैवी संस्कारों से भर करके नीचे सतयुग के लिए नीचे उतरने लगती है कितना सुंदर तरीके से इस चीज को रखा गया है लेकिन मनुष्य कभी समझ नहीं पाए इसीलिए भगवान ने पहले ही कह दिया कि महान ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए अब जब महान ऋषि मुनि नहीं समझ पाए तो आज की दुनिया के इंसान कितना समझ सकेंगे जब तक ईश्वर द्वारा वो बौद्धिक क्षमता प्राप्त नहीं होती है जब तक उसकी विशेष कृपा नहीं होती है तब तक उसको समझना बड़ा कठिन है बड़ा कठिन है और ये चीज मैं आपको इसलिए कह रही हूं मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये अध्याय मैं भी नहीं समझ पाई और ये अध्याय कम से कम मैं एक साल तक पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही बार बार हर रोज उठा उठा करके पढ़ती रही कि आखिर क्या है नहीं समझ पाई जब नहीं समझ पाई तो मैंने हिम्मत हार ली थी कि शायद अब गीता को समझना मेरे बस की बात नहीं है ये दोनों अध्याय जो अपने स्वरूप का ऐश्वर्य जो वर्णन किया उसको और ये विश्व रूप को और जो हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप ये जब मैं भी नहीं समझ पाई एक साल तक लगातार पढ़ते रहने के बाद भी जब नहीं समझ पाई एक दिन जब मैंने हिम्मत हार ली क्या मुझे कितना नहीं करना है छोड़ देना है न उसका स्पष्टीकरण करना है जब जैसे ही हिम्मत छोड़ दी तो जरूर भगवान पकड़ लेता है कहते हैं ना वो अनुभव है तो उसने पकड़ा और उस दिन मैं जब अमृत वेले बैठी थी मेडिटेशन करने के लिए तो उस वक्त जैसे ही मैंने कहा कि अब मुझे नहीं करना है अब मैं गीता छोड़ रही हूं अमृत वेले जैसे उसी के साथ वार्तालाप हो रही थी कि मेरे में शक्ति नहीं मेरे में क्षमता नहीं इसको स्पष्ट करने की और जैसे ही मैंने उनको कहा तो उसी वक्त जैसे सचमुच भगवान ने भी मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की और मुझे जो साक्षात्कार हुआ यह दोनों साक्षात्कार मैंने अमृत वेले किया एक घंटे तक यह साक्षात्कार चला एक घंटे तक एक घंटे तक यह साक्षात्कार जब मैं करती रही मुझे समय का एहसास नहीं था मैं अपने आप में नहीं थी लेकिन तब मुझे यह बौद्धिक क्षमता प्राप्त हुई और भगवान ने बहुत स्पष्ट यह बात जैसे मुझे कही कि मेरा दिव्य स्वरूप ये हजारों सूर्य से तेजोमय है और ये विश्व रूप ये श्री कृष्ण का अनेक जन्म अनेक जो पुनर्जन्म इस पृथ्वी पर उसने लिए सत्युग से लेकर कलयुग तक ये सारे चेहरे एक एक वो है और अंत का जो चेहरा है वहां से सारी आत्माएं ये सारा दृश्य एक जैसे कि फिल्म की तरह इन आंखों से मैंने देखा लेकिन मुझे समय का एहसास नहीं हुआ जब ये दृश्य समाप्त हुआ तो मैंने देखा अमृत वेले समाप्त हुआ और उस दिन जो मेरे अंदर खुशी थी जो आनंद था इतना परम आनंद का मैंने अनुभव किया है इतना परम आनंद का अनुभव किया है कि मुझे जैसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला हो यह महसूसता मेरे अंदर आई गीता के कई चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी इसलिए तीन साल लगे मुझे एक एक श्लोक को समझने में भी कई बार मुझे नहीं समझ में आती थी बार बार पढ़ती थी बार बार पढ़ती थी समझने के लिए बार बार पढ़ती थी और जब मैं छोड़ देती थी कभी कभी नींद लग जाती थी मुझे और जब नींद लग जाती थी तो स्वप्न में वो क्लियर हो जाता था इसका भावार्थ यह है तो कुछ चीजें स्वप्न में क्लियर हुई और कुछ चीजें अमृत वेले जो मैंने इसीलिए कल कहा मैंने उस चीज का अनुभव किया कि उस अमृत को मैंने प्राप्त किया है था। 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 और तब आज उतनी अथॉरिटी के साथ उस चीज को मैं कह पा रही हूं आप सबके सामने भी और ऐसे हजारों कार्यक्रम हमने सारे विश्व भर में किए और हर जगह मैं इसीलिए इस बात को स्पष्ट करती हूं ईश्वर का स्वरूप और श्री कृष्ण के स्वरूप को समझना जरूरी है तब कहा सारे देवताएं कमल आसन पर ब्रह्मा जी एक तरफ बीच में विष्णु जी और शंकर एक तरफ ये सारा जो मैंने साक्षात्कार किया है उस बात को मैं आपके सामने और वही चीज जब मैंने चित्रों में देखी विश्व रूप के तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये ब्रह्मा विष्णु शंकर क्यों रखे गए हैं और ये सारे चेहरे क्यों रखे गए इसीलिए जब ईश्वर की ये कृपा हुई तब मैं आज आप सबके सामने वो और आप चाहे गीता को पढ़ लेना ये ये अध्याय पढ़ लेना हजारों सूर्य से तेजोमय का साक्षात्कार पहले होता है और फिर विश्व रूप का होता है और उस विश्व रूप में जब ये तीनों को देखा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी और फिर आदि मध्य अंत रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त आप शंख चक्र गदा पद्म युक्त है तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो स्वरूप उसी में दिखाई दिया और जो पहले देखा उसने स्वरूप वो कहा आप प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप इस जगत के परम आश्रय और आप सनातन धर्म के रक्षक हो दोनों को एड्रेस कर रहा है अर्जुन इसलिए लोग समझ नहीं पाए क्योंकि एक साथ वो दोनों को संबोधित कर रहा है परमात्मा को भी कह रहा है और जो माध्यम है उसको भी कह रहा है क्योंकि उसी का जो प्रथम जन्म है विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप का श्री कृष्ण का प्रथम जो स्वरूप है वो विष्णु चतुर्भुज का है इसीलिए वो दोनों को एड्रेस करते हुए कह रहा है के दोनों को देख करके मैं धन्य हो गया ये बात मुझे भी तभी समझ में आई नहीं तो मैं एक साल तक कम से कम मैंने 20 गीता का अध्ययन किया 20 गीता का नहीं समझ पाई थी एक साल के बाद जब मैंने छोड़ने का संकल्प किया जैसे कोई डूब रहा हो तो उसको पकड़ लिया हो इसी तरह का एक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ और अब अर्जुन व्याकुल हो जाता है व्याकुल क्यों होता है क्योंकि जो आत्मा अंदर जा रही है वो चेहरे से तो जैसे हर कोई ये शरीर को त्याग कर रहा है तब अर्जुन कहता है इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो जो लास्ट वाला चेहरा कि इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो मैं जानना चाहता हूं कि आप आदि पुरुष कौन है जिसके चेहरे में जा रहे थे तो आप आदि पुरुष कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश को तो देख लिया परमात्मा को भी देख लिया अब ये कौन है मैं आपको और आपकी प्रवृत्ति को जानना चाहता हूं तब भगवान कहते हैं मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं इसीलिए शिव को देवों का देव महादेव भी कहा तो महाकाल भी कहा उज्जैन में महाकालेश्वर किसको कहा शिव जी को ही कहा तो वह स्पष्ट करते हैं कि मैं कौन हूं तो कहा मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं इसलिए अर्जुन तुम उठ खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं तुम केवल निमित्त हो तुम्हें तो कुछ नहीं करना है तुम्हें खाली निमित्त बनना है इस संसार के परिवर्तन के लिए तुम्हें खाली निमित्त बनना है बाकी तो परिवर्तन की प्रक्रिया मैं ही करूंगा लेकिन तुम्हें सिर्फ एक सहयोग देना है अब भगवान ऑफर कर रहा है कि मेरे मददगार बनोगे दोस्ती की तो ऑफर की अब दोस्ती के साथ उसके मददगार भी बनेंगे क्योंकि दोस्त तो मददगार ही होते हैं तो इस परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या उसके मददगार बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनने के लिए हम तैयार है तैयार है क्योंकि मददगार बनना पड़ेगा अगर दोस्ती की ऑफर स्वीकार की तो उसके मददगार भी बनना पड़ेगा ऐसे दोस्तों को ही तो वो मदद लेने के लिए ऑफर करता है तो कहा तुम सिर्फ निमित्त बनो बाकी सब कुछ मैं ही करूंगा तुम्हें कुछ करना नहीं है क्योंकि तुम आगे रहोगे मैं पीछे रहूंगा भगवान की कार्य प्रणाली देखो वो पीछे रह करके करण करावन हर कराता है वो खुद करता नहीं है क्योंकि जो करता है उसको भोगना भी पड़ता है इसीलिए वो अकर्ता है अभोगता है लेकिन अकर्ता अभोक्ता कराएगा कैसे इसलिए कहा तू निमित्त बन तो तू करेगा और तू पाएगा और स्वर्ग का उस राज्य भाग को पाएगा सिर्फ निमित्त बन के करो ये रहस्य है उसके अंदर फिर भगवान कहते हैं इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य क्या है भगवान का वो स्पष्ट करते हैं और कहते हैं इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है इस दुनिया के अंदर जो नेगेटिविटीज है उसको नाश करना है दुनिया का नाश नहीं करना है क्योंकि इसी दुनिया पर तो स्वर्ग लाना है एक सत्युगी दुनिया लानी है दुनिया को नाश कर देंगे तो कहां लाएंगे तो इसीलिए इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य है कि समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना अधर्मियों की शक्ति और सामर्थ्य कितना ही अधिक क्यों ना हो लोकशयकारी महाकाल की शक्ति ने पहले ही उन्हें मार दिया है अब खोखले हो गए हैं। अब उनमें ताकत नहीं है अधर्मियों में ताकत नहीं है अभी अब खोखले हो चुके हैं इसलिए कहा मैंने पहले ही उनको मार दिया है भगवान का लोक संहारकारी भाव उनके लोक कल्याणकारी भाव है दुनिया का कल्याण करने के लिए ही उस नकारात्मक शक्ति अधर्मियों का नाश करना है तो यही लोक कल्याणकारी इसीलिए गायन है के हे कल्याणकारी इसीलिए तो गायन करते हैं बिना कर्म किए उसको गायन नहीं होता है भगवान ने भी वो कार्य किया है तभी उसका गायन होता है इसलिए भगवान इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि पुनः निर्माण के इस कार्य को करने के लिए अकेला काल समर्थ है यह भी भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर मैं चाहूं तो मैं अकेला कर सकता हूं इसलिए सर्वकालीन मनुष्य का प्रतिनिधि अर्जुन को यह उपदेश दिया जाता है कि वह निर्भय होकर अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करे पुनरुत्थान के साथ सहयोग करके अर्जुन निश्चित सफलता को ही साथ दे रहा है किसको साथ देना है सफलता को साथ देना है ईश्वर के ऐसे मददगार सफलता को साथ देने के लिए तैयार है तैयार है है ना सोच समझ के जवाब देना सोच समझ के जवाब देना है ना? क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।, है ना? तो इसीलिए मनुष्य के प्रतिनिधि अर्जुन को अर्थात हम सब अर्जुनों को भगवान ये ऑफर कर रहा है कि सफलता को साथ दो मेरे मददगार बनो करना चाहूँ तो मैं अकेला करना कर सकता हूँ इतना सामर्थ्य है ईश्वर के पास लेकिन वो आप जो करेगा सो पाएगा ये सिद्धांत के अनुसार ये आपके द्वारा कराते हुए निमित बना करके उसका फल देना चाहता है फल क्या है फल क्या है इस समय हम सब सुदामा की तरह हो गए इसलिए कहीं ना कहीं संकोच हो रहा है लेकिन अब भले चावल मुट्ठी निकालो और चावल मुट्ठी के बदले क्या प्राप्त करो सतयुग की राजाई को प्राप्त करो स्वर्ग की राजाई को प्राप्त करो ये ऑफर ये ऑफर है चावल मुट्ठी के बदले स्वर्ग की राजाई चाहिए नहीं चाहिए चाहिए नहीं चाहिए चाहिए तो इसीलिए भगवान कहते सफलता का साथ दो अब अर्जुन क्षमा चाहता है और कितना सुंदर निर्माणता से क्षमा करता चाहता है कहा वे सिद्ध संग आपको नमस्कार कैसे नहीं करूं दृश्य देखने के बाद गुह्य से गुह्य रहस्य समझने के बाद कहता है आपको नमस्कार कैसे नहीं करे क्योंकि आप तो सृष्टि करता ब्रह्मा जी के भी आदि करता हो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी उत्पत्ति करने वाला कौन इसलिए ये तीनों की उत्पत्ति होती है और तीनों की उत्पत्ति शास्त्रों में क्या दिखाई कहां से होती है पता है इस तीनों का भी जन्म नहीं दिखाया है ब्रह्मा विष्णु महेश कभी जन्म नहीं है उनकी उत्पत्ति है और उत्पत्ति कहां से हुई है पता है उनकी उत्पत्ति प्रकाश से हुई है उनकी उत्पत्ति प्रकाश से हुई है यह शास्त्रों में लिखा है कि ये तीनों की उत्पत्ति वो अवतरित नहीं होते हैं परमात्मा अवतरित अवतरण और उत्पत्ति में अंतर है तो ईश्वर का अवतरण होता है और अवतरण होकर के ये तीनों की उत्पत्ति करते हैं तो उस प्रकाश से उत्पत्ति होती है और एक जगह मैं ये बात बता रही थी कि किसी ने मुझे बताया कि पता नहीं कोई टीवी पर सीरियल आई होगी मुझे मालूम तो नहीं है उसका नाम क्या है त्रिदेव या ऐसा कुछ बताया था मुझे परफेक्ट मा, मालूम नहीं कोई धार्मिक सीरियल आती रहती है लेकिन उसमें मुझे एक व्यक्ति ने आकर के बताया कि बहन जी ये बात जो आपने कही ये अब भी सीरियल पर दिखाई त्रिदेव की सीरियल के, क्योंकि ये त्रिदेव की कोई बात है ब्रह्मा विष्णु महादेव की ब्रह्मा विष्णु शंकर की जैसे कोई सीरियल होगी मुझे नहीं पता ना मुझे नाम पता है लेकिन मुझे उस व्यक्ति ने जो बात कही कि उस सीरियल के अंदर सचमुच प्रकाश से उत्पत्ति दिखाई और आज आप यही बात जब कह रहे तो अब समझ में आ रहा है कि वो सीरियल में अभी मैंने देखा थोड़े दिन पहले ही देखा कि कैसे ये तीनों की उत्पत्ति प्रकाश से होती है मुझे तो मालूम नहीं लेकिन होगी कोई ऐसी सीरियल क्योंकि धार्मिक सीरियल है, चलती है आजकल काफी चलने लगी है टीवी के ऊपर तो इसीलिए कहा तो कहा कि आप तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी आदि करता है अब ये परमात्मा को एड्रेस हो रहा है क्योंकि अब उसने देख लिया समझ लिया अनंत स्वरूप परमात्मा समस्त देवों के ईश्वर है देवों के देव है सर्वशक्तिमान परमात्मा से सर्व देवताओं को तथा प्राकृतिक शक्तियों को भी सामर्थ्य प्राप्त होता है आप इस चराचर जगत के पिता पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु है इसीलिए गुरु नानक देव जी ने भी गुरु किसको कहा सदगुरु किसको कहा जिसकी कोई प्रतिमा नहीं जिसकी कोई आकृति नहीं प्रतिमा नहीं तो जिसकी कोई प्रतिमा नहीं आप ऐसे अप्रीतम प्रभाव वाले जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है ये गीता के महावाक्य सुना रही हूं कि आप आपकी कोई प्रतिमा नहीं और आप ऐसे अप्रीतम प्रभाव वाले जिनके समान तीनों लोकों में कोई नहीं इसलिए हे भगवान जैसे एक पिता पुत्र के मित्र अपने मित्र के प्रिय अपनी प्रिया के अपराधों को क्षमा कर देता है आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए अर्जुन का अपराध कौन सा था अर्जुन का अपराध कौन सा था जो हाँ, मोहग्रस्त होकर के उसने युद्ध के लिए शस्त्र छोड़ दिए इतने सवाल पे सवाल किए कितने सवाल किए हो गए सारे सवालों को भी इसलिए हमने व्यक्त किया कि ये सवाल अर्जुन ने पूछा ये सवाल अर्जुन ने पूछा ये सवाल अर्जुन ने पूछा अब उसको रियलाइजेशन हो मैं किसको प्रश्न कर रहा था और उस समय उसको अपने प्रश्न कितने तुच्छ महसूस हो रहे होंगे और जो उसने मना कर दिया शस्त्र छोड़ दिया निमित बनने के लिए उसको भाग्य बनाने के लिए भगवान आगे बढ़ा रहे थे और अपनी नादानी वो महसूस करने लगा तो कहा जैसे पिता पुत्र के मित्र मित्र के और प्रिय अपने प्रिया के अपराधों को क्षमा आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए रियलाइजेशन जब होता है तो वो रियलाइजेशन व्यक्ति को कितना अद्भुत परिवर्तन के लिए मजबूर कर देता है अब उसके अंदर परिवर्तन आ गया और तब भगवान कहते हैं मेरा यह रूप देखने को मिलना अति दुर्लभ है इट इज नॉट इजी जिसको तुमने देखा आप सबने देखा उस ज्ञान के चक्षु से देखा कि नहीं देखा अभी भी है ना ज्ञान के द्वारा समझने देवता गण भी सदा इस रूप के दर्शन के इच्छुक रहते हैं फिर भगवान कहते मैं न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता इस स्थूल में जो यज्ञ करते हैं न वेदों को पढ़ने से मुझे कोई प्राप्त कर सकते हैं न तप करने से मुझे कोई इसलिए मैं योगी बनने के लिए तपस्वी तो बनने के लिए नहीं कहा न दान से ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इतना सुंदर स्वरूप देखने को मिलना ज्ञान के माध्यम ज्ञान को बस अपने जीवन में आत्मसात करो तो ज्ञान के माध्यम से उस दिव्य स्वरूप को देखना आसान हो जाएगा अब अंत में इस अध्याय के अंत में भगवान उस ईश्वरत्व को प्राप्त करने की विधि बताते कि जब इन सब से नहीं मिलता है तो कौन मुझे प्राप्त कर सकता है सब चीजें एक लिंक से बताई गई है कि अगर इन सब चीजों से नहीं मिलता तो भगवान को अचीव करने का उस ईश्वरत्व को प्राप्त करने की विधि क्या है तो पहली बात कहा जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से निर्धारित यज्ञ कर्म करता है जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करने के निर्धारित कर्म करता है और ईश्वर अर्पण कर देता है वो मुझे प्राप्त कर सकता है दूसरा कहा जिसका परम लक्ष्य ईश्वर अनुभव करना ही है ये लक्ष्य बना दिया जिसने अपने जीवन के अंदर वो मुझे अचीव कर सकता है तीसरा जो अनन्य भक्ति भाव अनन्य भक्ति शब्द को समझना भक्ति माना पूजा पाठ को भक्ति नहीं कहा जाता है मीरा भाई ने भक्ति की आज का मनुष्य एक भक्ति कर रहा है कोई अंतर है मीरा भाई की भक्ति और आज के मनुष्य की भक्ति में कोई अंतर है आसमान जमीन का अंतर है मीराबाई की भक्ति में क्या था कि मीराबाई ने एक संबंध जोड़ लिया प्रियतम का और संबंध जोड़ करके उसके प्यार में खो जाती थी उसके प्यार में लीन हो जाना ऐसी जो अनन्य भक्ति अन्य कोई नहीं उसकी बुद्धि अन्य किसी में नहीं थी एक में थी तो ऐसी अनन्य भक्ति भाव जो रखता है वो मुझे प्राप्त करता है लोगों ने क्या समझ लिया भगवान ने कहा भक्ति करो तो मुझे प्राप्त कर लेंगे इसलिए रोज पूजा पाठ रोज मंदिर जाना रो... उसको अनन्य भक्ति भाव नहीं कहा जाता है चौथा कहा जो संग और आसक्ति से रहित हो वो मुझे प्राप्त कर सकता आसक्ति कामनाएं है, इच्छाएं है, तृष्णाएं उससे रहित है और पांचवा जो संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति वैर भाव से रहित है वो मुझे प्राप्त कर सकता है क्योंकि ईश्वर के ये क्वालिटीज है वो निर्वैर है निष्काम है वो प्यार का सागर है इसीलिए उसको वही आत्मा पसंद है और वही उसको प्राप्त कर सकते अब ये पांचों में से कोई एक लक्षण तो हम सब में होगा ही तभी तो, तो यहां बैठे हैं जिनमें ये लक्षण नहीं वो यहां नहीं होते हैं इसीलिए आप अपने अंदर देखिए कि मेरे अंदर इन पांचों में से कौन सा एक ये है यानी मैं उस अधिकार को प्राप्त कर सकता हूं ईश्वरत्व को प्राप्त करने का है जरूर तभी आप यहां सिलेक्ट इसलिए क्योंकि भगवान का कार्य जो चलता है ना सिलेक्शन से चलता है वो सिलेक्ट करता है नई दुनिया के लिए आत्मा की पात्रता को देखते हुए उसको सिलेक्ट करता है और जो सिलेक्शन में पास हो गए बस है तो आप में वो क्वालिटी है तभी यहां बैठे हैं वो कहानी याद आती है मुझे कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए भगवान के हाथ में एक डायरी थी डायरी देख रहे थे नारद जी ने कहा भगवान ये क्या देख रहे हो क्या डायरी है और इसमें क्या ऐसा लिखा है जो आप पन्ने घुमा रहे हो तो भगवान ने कहा इसमें मैंने कुछ नाम लिखे हैं तो कहा किसके नाम लिखे हैं तो भगवान ने कहा इसमें मैंने उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं उनके नाम लिखे हैं तो नारद जी बड़े खुश हो गए कि भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा क्योंकि मेरे जितना तो कोई आपको याद करता ही नहीं है तो भगवान भी मुस्कुरा कर कहने लगा हां तेरा नाम सबसे पहला नंबर है तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई कहा भगवान मैं डायरी देख सकता हूं कहा देख लो देखा खुद का नाम सबसे पहला नंबर था बड़ा खुश प्रसन्न हो गया देखने लगा आगे भगवान ने किस, किस के नाम लिखे ढूंढने लगा कि इसमें हनुमान जी का नाम कहां है देखा तो सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था अब नारद जी का तो काम था जलाना डायरी भगवान को दी घूमने निकले हर, हनुमान जी को ढूंढने के लिए देखा तो हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे नारद जी वहां पहुंचे और कहने लगे ये धोंग बंद करो क्या क्यों भाई कहा अभी भगवान की वो खास डायरी देख करके आया हूं जिसमें भगवान ने उसके नाम लिखे हैं जो उनको बहुत याद करते हैं और पता है मेरा नाम सबसे पहला नंबर था और सारी डायरी में आपका तो नाम ही नहीं था अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी थे उसने कहा मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी उसको याद कर रहा हूं मैं तो उसके दिल में रहता हूं अब नारद जी क्या बोलते वहां से चले घूमते घूमते फिर भगवान के पास पहुंच गए तो देखा भगवान एक छोटी सी डायरी देख रहे थे नारद जी ने देखा ये तो अलग डायरी लग रही है उस दिन वाली तो नहीं है पूछा भगवान ये कौन सी डायरी है तो भगवान ने कहा ये मेरी पर्सनल डायरी है। कहा ये पर्सनल डायरी में क्या लिखा है तो कहा इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। कहा भगवान किसके नाम लिखे हैं तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता तो कहा आप भी याद करते हैं कहा क्यों नहीं तो कहा मैं देख सकता हूं कि आप किसको याद करते कहा देख लो तो देखा कि हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था और सारी डायरी में नारद जी का नाम ही नहीं था भाग्यशाली कौन जो भगवान को याद करे वो या जिसको भगवान याद करे वो जिसको भगवान याद करे वो भाग्यशाली है आप सबका नाम कौन सी डायरी में पता है हम भी देख के आए हैं हम भी देख के आए हैं आपका नाम कौन सी डायरी में पता है पर्सनल डायरी में है पर्सनल डायरी में है आपको कई बार ब्रह्मा कुमारी भाइयों ने बहनों ने निमंत्रण दिया चलो माउंट आबू चलो माउंट आबू चलो हर बार आपने क्या कहा ये भाई जब ऊपर वाले की मर्जी होगी पहुंच जाएंगे अभी जो आए हो किसकी मर्जी से आए अपनी मर्जी से या उसकी मर्जी से उसकी मर्जी से आए ना तो उसने याद किया तब पहुंचे तो आपका नाम पर्सनल डायरी में था तब पहुंचे ठीक है ना तो भाग्यशाली हुए कि भगवान ने याद किया और आप यहां पहुंचे लेकिन अब यहां से जाने के बाद वो नारद वाला काम नहीं करना कि जो नहीं पहुंचे उसको ये नहीं कहना कि अरे भाई तुम्हारा तो नाम पर्सनल डायरी में है ही नहीं ये नहीं करना कोशिश करना कि उनका नाम भी पर्सनल डायरी में आ जाए कोशिश ये करना ये भाव रखना तो इसीलिए कहा भगवान का जो सारा कारोबार होता है वो सिलेक्शन की बेसिस पर चलता है जब वो देखता है किसी के अंदर कोई पात्रता है जो उसके मददगार बन सकते हैं उस विशेषता के माध्यम से तो वो सिलेक्ट कर लेता है भाग्य बनाने का अवसर देता है लेकिन जो उस सिलेक्शन की लिस्ट में रहता है वो तो भाग्य प्राप्त जो निकल जाता है वो किसकी मर्जी यहां से जाने के बाद उसने तो सिलेक्ट कर लिया यहां तक ले आए आपको वास्तविकता का परिचय दे दिया जो भटक रहे थे उनको वास्तविकता का दर्शन करा दिया गीता के माध्यम से लेकिन अब यहां से जाने के बाद किसकी मर्जी पर चलेंगे उसकी मर्जी पर या अपनी मर्जी पर उन्हीं की मर्जी पर चलेंगे फिर दुनिया ये कहेगी समाज ये कहेगा देखा ब्रह्मा कुमारियों में गया जादू लग गया ना जादू लग गया आप लोगों पर जादू लगा कि नहीं लगा लग गया लग गया अरे ज्ञान का जादू ही ऐसा है कल जादू का खेल देखा ना तो भगवान का जादू लग गया ना हाँ जो यहां तक नहीं पहुंचे उसको भी यहां तक पहुंचाओ जो अगर कहते हैं आपको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया कहो ब्रह्मा कुमारियों का जादू नहीं है ये ईश्वर का जादू है जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया वो कितने भाग्यवान आत्माएं हैं कोटों में कोई कोई में भी कोई बिरला आप वो भाग्यशाली आत्मा हो अब उस भाग्य के को बढ़ाना है या समाप्त करना है ये किसका चॉइस होगा वो आपका चॉइस होगा फिर भगवान को मत कहना कि हे प्रभु तू मुझे भी सिलेक्ट करके तो देखता था मैं भी कोई कम थोड़ी था अब सिलेक्शन की लिस्ट में आ गए अब रहना है नहीं रहना ही आपकी मर्जी होगी फिर भगवान को दोष नहीं देना इसलिए कहा कि संग दोष से अलग रहकर क्योंकि वो संग आपको बहुत कुछ बातें कहेंगे जादू लग गया दिमाग खराब हो गया बहुत कुछ कहेंगे हमें भी बहुत कुछ कहा था जब हमने जोड़ा था तभी भी हमें भी बहुत कुछ सुनने को मिला था आपको भी मिलेगा सुनने को लेकिन कहेंगे पागल हो गया पागल तो हो ही गए पागल जिसने गल को पा लिया वो कौन हुए वो कौन हुए है कि नहीं तो इसीलिए जिसने गल को यानी रहस्यमय गल को पा लिया उसके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं उनको कहो हाँ हमने तो रहस्यमय बात को पा लिया आप भी पाकर के देखो तो आपको पता चलेगा कि ये सुख क्या होता है तो संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं उसी समय राग द्वेष परीक्षा आएगी यहां से जाने के बाद राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में आ जाते हैं उनसे पार पाना ही तो सच्चा युद्ध है जो युद्ध करना है अभी परीक्षाएं भी आएगी यहां तो कहना आसान होता है लेकिन जब यहां से जाएंगे तब तो परीक्षा भी आएंगी कसौटी तो लेगा ना कि भाई वहां तो बड़ी बड़ी बातें करके आया अभी देखे कि वो पात्रता है भी या नहीं है तो कसौटी तो होगी क्योंकि उसको जो चाहिए पक्का व्यक्ति चाहिए कच्चा बदलने वाला बेपेंदी का लोटा नहीं चाहिए उसको जो अभी इधर लुड़का अभी उधर लुड़का उधर लुड़का उधर लुड़ ऐसे नहीं चाहिए उसको पक्के चाहिए पक्के योगी चाहिए तो इसीलिए इस अध्याय के अंत में ये बात कही भगवान ने तो इसीलिए महान महान सौभाग्यशाली आप हो अब थोड़ी देर परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं और उसका ध्यान करते हैं फिर अगले सत्र के अंदर आगे देखेंगे भक्ति योग क्या है यथार्थ भक्ति योग किसको कहा गया है उसको समझेंगे अभी दो मिनट परमात्मा स्मृति में अंतर चक्षु से उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करिए उस दिव्य स्वरूप को देखिए बहुत सुंदर स्वरूप क्षण के लिए अपने मन के अंदर उस परमात्मा के प्रति अनन्य भाव जागृत आत्म आत्मस्वरूप में स्थित होकर के उस दिव्य स्वरूप को देखना है ज्ञान के चक्षु से जो बल ऐश्वर्य सौंदर्य उत्कृष्टता के धनी है जिसकी अभिव्यक्ति इस संसार के अंदर हर वो श्रेष्ठ चीजों से भेंट करने पर भी अंशमात तेजस्वी प्रकाशों में जो सूर्य के समान है अनंत तेजोमय अनंत प्रकाशमान परंतु चंद्रमा की तरह शीतल है उस शीतल प्रवाह में स्वयं को महसूस कर रही हूं पर्वतों में मेरों की तरह वृक्षों में पीपल की तरह जो नित्य मुझ में प्राण वायु भरते जा रहे हैं मनुष्यों में राजा की तरह गायों में सुरभि की तरह शस्त्रधारियों में श्रीराम की तरह जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है परम पवित्र परम सत्य स्वरूप जो हजारों सूर्य से तेजो में स्वरूप, जो नित्य प्रकाशमान देवों के भी देव महादेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है शक्तिमान परमात्मा की अनंत शक्तियों की ऊर्जा को मैं स्वयं पर परमात्मा की कृपा के रूप में अनुभव कर रही हूं मैं आत्मा पदमा पदम, भाग्यवान जो भगवान ने मुझे निमित्त बनाया सफलता को साथ देने के लिए लोक संहारकारी परमात्मा का दिव्य स्वरूप वास्तव में उसका लोक कल्याणकारी का स्वरूप समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करने के लिए अधर्मियों की शक्ति कितनी भी अधिक क्यों ना हो वो पहले से ही मारे जा चुके हैं मुझे निमित्त बनना है अनेक आत्माओं के अंदर श्रेष्ठ परिवर्तन लाने के लिए और ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है धन्य है परमात्मा ने ये ज्ञान चक्षु मुझे दिए अब सब बातें स्पष्ट समझ में आ रही धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को शरीर में रुकुटी की मध्य में स्थित करती